नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र शुरू हुआ है सोमवार को। आज बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान बजट पेश होना है। जब बजट सत्र शुरू हुआ, माफ कीजिएगा, तो विजय कुमार चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार विकास कर रहा है और विकास इंडेक्स बिहार तीसरे नंबर पर है। आज बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान बजट पेश होगा और 20 लाख युवाओं को युवाओं के रोजगार का तोहफा सरकार दे सकती है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार बनने के पहले कई बड़े वादे किए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे पहली कलम से। मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने और नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है, ये मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की है, नीतीश कुमार ने भी की है। नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़कर कहा 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ऐसे में राज्य सरकार बजट स्वरोजगार के रूप में भी पेश कर सकती है। इस बजट में रोजगार पर मुख्य फोकस दिया जा सकता है। सरकार के एजेंडे में नौकरी और रोजगार है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग सबसे अधिक नौकरी देने वाला है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, इस वजह से शिक्षा विभाग के बजट में सर्वाधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो देखिए, मामला सिर्फ ये नहीं है, 2024 के लिए और 2025 के लिए मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। अगर ये कयास लगाए जा रहे हैं या इस बात की संभावना नजर आ रही है कि सरकार रोजगार को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लाखों लोगों की को नौकरियों देने का, रोजगार देने का इस बजट में ऐलान हो सकता है, तो जाहिर तौर पर ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, उस बीजेपी के खिलाफ जिसके सियासी दुश्मन ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन करोड़ छोड़िए, लाखों लोगों को नौकरी भी नहीं मिली है। सरकार अपना ये वादा पूरा नहीं कर पाई है। वैसे में बिहार सरकार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है और सरकार अपना वादा पूरा कर रही है, ये मैसेज देने की कोशिश महागठबंधन सरकार की तरफ से होगी। और 2024 में अब से कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसके अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो इस लिहाज से इस ऐलान को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस लिहाज से भी इस बजट को, इसको चुनावी बजट भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो इस चुनावी बजट में और क्या क्या लोक लुभावने वादे सरकार करती है, ये देखना होगा। बहुत